रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री इट ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड में हम लोग सिग्मा बॉन्ड की तादाद को कैसे कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि कोई कंपाउंड हमारे पास ए साइक्लिक हो या कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन माइनस वन फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस एन से मतलब क्या होगा कि आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ एटम, हम लोग उसी के साथ क्या करेंगे, वन को हटा देंगे। अगर कोई कंपाउंड हमारे पास मोनोसाइक्लिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो या जो भी हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर टोटल नंबर ऑफ एटम यही उसके सिग्मा बॉन्ड होगा। और बाईसाइक्लिक या ट्राईसाइक्लिक हो तो वो एरोमेटिक है, जो भी हो उसी के हिसाब से अगर हम देखते तो टोटल नंबर ऑफ एटम के साथ हम किसको जमा करेंगे, वन को। ठीक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते इस पर। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है कि CH2CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड दिया है और इस कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो ये एस साइक्लिक कंपाउंड है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम को काउंट कर लीजिए बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से मैं 1 हटा के तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लें कि बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो आप लोगों की बात मालूम है कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जितने एटम है यही इसके सिग्मा बॉन्ड। तो क्या हो गया हमारे पास बेटा, ये 6 और 6 कितने नंबर ऑफ एटम है, 12। तो डबल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 12, क्योंकि फार्मूला इस पर कौन सा लग गया, N1। अब क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप लोग मालूम कर लीजिए किसके लिए, किंग ऑफ दी एसिड के लिए। तो किंग ऑफ दी एसिड का मतलब क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, ये 1 सल्फर और हमारे पास 5 हो गए, और 2 हाइड्रोजन 7। तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या गए, 6। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेप्टेलिन दिया है। नेप्टेलिन आप लोगों को ये बात मालूम है कि वो एक बाईसाइक्लिक प्यूज एरोमेटिक कंपाउंड है, तो नंबर ऑफ एटम के साथ 1 को जमा कर दें। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C10H8, तो टोटल एटम कितने हो गए, 10 प्लस 8 18, और 1 जमा कर ले तो क्या हो गया, 19। दिस इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर ए कंपाउंड, दिस इज सेड टू नेप्टेलिन। तो नेप्टेलिन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 19 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि टोल्यूइन में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C6H5 CH3, ये टोल्यूइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हमें पता है टोल्यूइन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब मिथाइल बेंजीन को बोला जाता है। तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास टोटल कितने हो गए, C6 और 5 हमारे पास 11 हो गए, 12 13 14 15, और माइनस साइक्लिक एरोमेटिक के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एन। तो द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 15। अब हम लोग हेक्सेन में मालूम करते हैं कि हेक्सेन में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सॉरी हेक्सीन में कितने होते हैं। तो हेक्सीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C6H12, ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ए साइक्लिक कंपाउंड है। तो नंबर ऑफ टोटल एटम कितने हो गए, 12 प्लस 6 18, और 1 हटा दीजिए तो आंसर इज 17। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर प्रोपेन में पूछा जाए तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C3H8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने हो गए, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, और माइनस 1 हटा के तो क्या आ जाएगा बेटा, 10। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसी तरीके से कोई सी भी क्वेश्चन हो जिसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने हो, तो इन ट्रिक्स को अप्लाई करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।